वो बाहर टोर से चेक हो रहा है, है? इधर बैग खोल के चेक हो रहा है, कितना परसेंटेज है ना भाई। और एक बात और है भाई, ये रास्ता ना रात को आपका जंगली सुअर, जंगली सुअर, तो वही मैं कह रहा था भाई। चीज और खास है भाई इस रास्ते की, अगर आपके पास आपको दिखाएंगे डोनापुवाला जट्टी, जहाँ पे अपना भाई सिंघम की शूटिंग हुई थी, यहीं पे वो यहीं पे तोड़ा के मर था ना वो स्टेयरिंग के अंदर भाई साहब, वो रॉड फंसाई थी, ये पिलर तोड़ा था, कौन सा लाइट तोड़ा था, लास्ट उधर जाके ना वहां जाके शूटिंग हुआ था, और उधर से उठा उठा के पटका था सिंघम ने, रिक्रिएट करना है भैया, तो जय जगावात रिक्रिएट करना है अभी आपको, वैसे ही उखाड़ना है, यहाँ थोड़ा शूटिंग करने जाएंगे भाई साहब, परमिशन लेना पड़ता है, ऐसे तो ना हो जाएगा, नहीं भाई। हाँ भैया, क्या निकलता वही ना भाई, जहाँ पे बनेगी जैसी लैंग्वेज होगी वैसी तो भाई वो होगी ना। डूब गया कौन, डूब गया, डूब गया। भाई ये तैर क्यों रहा है, नीचे पानी के अंदर क्यों गया हुआ बंदा, ये सिंघम नहीं, सिंघम ऐसे तो ना जाएगा यार, सिंघम ना होगा, मजाक बना दे तुम लोगों ने सिंघम का यार, ऐसे मत करो यार, इज अ सुपर कॉप भाई इन मूवीज ना हॉलीवुड। दबंग को कैसे भूल गया मैं अपने सलमान भाई को, हैं भूल गया तू, नहीं भैया यूपी का होके सलमान भाई को भूल गया तू, सलमान भाई तो मेन इधर, हां भाई साफ सफाई बहुत है भाई इधर, वो ठीक है 50 रुपीस वाला है, वो लटा पूना विक्रांत, हां विक्रांत यहां ना खड़ा है, पागल हो रहा है क्या, कुछ भी झूठ वीडियो आते समय थोड़ा झूठ बोलेंगे, ऑटोमोटिव 70 में झूठ नहीं चलता भाई। बाकी भाई 50 रुपीस एंट्री फीस ले रहे हैं ना, साफ सफाई तो रख रखा है भाई, हां। तो अब यहां टॉप पे आ गए हम डोनापुवाला जट्टी के, वहाँ पे चल रही है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जट्टी वट्टी चलानी है आपको, ये रहा सेंट्रल गोवा एंड वो उधर है भाई साउथ गोवा, डॉल्फिन वहाँ बीच में एक आधी दिखी थी मुझे उधर, वहाँ पे एक बार ऊपर से आई थी, एकदम से आई थी, अब नहीं दिख रही है ना, हाँ अकेले हाँ से देखो भाई दूर तक समंदर, हवा अब कम होगी ऊपर आके, जब आए थे जब हवा तेज थी। तो भाई अभी डोनापुवाला जट्टी से हम एग्जिट ले रहे हैं, सीधा है ओल्ड गोवा पंजे मीरामार, मीरामार पुलिस स्टेशन, जिसमें सिम्बा का ट्रांसफर हुआ था ना, मीरामार पुलिस स्टेशन में, याद है रणबीर सिंह की मूवी आई थी भाई, गोवा में तो बहुत फिल्मों की शूटिंग हो रखी है, सिंघम, सिंघम रिटर्न्स तो खैर बॉम्बे पहुंच गई थी, फिर सिम्बा आई गोवा में, अब कौन सी आएगी, हमें तो लेफ्ट से जाना है, हम क्यों रोके, कैसीनो प्राइड वाले ने भाई पूरी अपनी ब्रांडिंग कर रखी है पुलिस बैरिगेड्स में, राजभवन से तो हम आए थे, लेफ्ट हमने देख ही लिया, ये कौन सा चौक है भाई, इस चौक का नाम क्या है, राजभवन चौक, गोवा अच्छा है भाई, अच्छा सिटी है, सड़कें बहुत अच्छी है भाई गोवा की, बट अभी थोड़ा सा गर्मी होना स्टार्ट हो गया है, गजानंद कैशू फैक्ट्री आउटलेट, काजू वाजू ले लो भाई जिसको काजू लेने का है। अरे 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 क्या हो गया भैया, क्या भाई क्या चल रहा है भाई, आइडिया मुझसे लिए तो यहाँ पे जो पोप जी है, तो जब से इनको पोप जी के बारे में पता चला है तब से ये विक्रम जोसफ या फर्नांडिस बन गए कि फिराक में निकल पड़े थे फुल स्पीड में, पूरा एक भी चौराहा नहीं रोक रहे। अरे भाई साहब आ गए क्या भाई, सही बात है भैया टेस्टिंग कर रहे हैं गाड़ी का, कॉर्नरिंग कैसी करती है, कॉर्नर पे कैसा कंट्रोल रहता है गाड़ी का, ई करती है ऐसे नहीं करती है, घोड़ी बन जाती है भाई ये वाला है वो चर्च एंड ये है वो सीढ़ियां जहाँ पे भाई सिम्बा मूवी के अंदर वो पढ़ाती है ना बच्चों को शाम को दीदी, एंड ये देखो ये भाई वही वाला चौक, रियल में देखे कितना अच्छा लगता है ना, वही बात है भाई गोवा के लिए भी भाई आपको कम से कम 5 दिन तो चाहिए ही चाहिए भाई, बाकी फिर भी भाई ये सामने का व्यू देख लो भाई कितना प्यारा लग रहा है, वक्त नहीं है भाई अभी, नहीं तो भाई और ज्यादा डिटेल में दिखाते, दिन में भी दिखाते और रात का तो भाई बिल्कुल है ही अलग नजारा, बहुत प्यारा है भाई, और गोवा वाकई में शांत है भाई, अगर उस गार्ड को छोड़ दे हम जो हमारे को दिन में मिला था घोड़ा फोर्ट पे बस, बाकी भाई रात को ऐसा नजारा रहता है भाई, ये जितने भी कैसीनोज हैं ये देख लो भाई अभी फ्लाईओवर से ऐसे दिखते हैं, मैं उत्ते दिल छोड़ आया, फुल लाइटिंग भाई फुल लाइटिंग, हाँ फुल म्यूजिक। तो भाई मैप हमने लगा लिया है अपना भाई मुंबई का, एंड भाई हमारा ये कितना रह गया है 468 किलोमीटर हमारा बाकी है, 100 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है,
एक घंटे के अंदर भाई ये देख लो नीचे भी दिखा रहा, अरे आगे क्या दिखा देता है ये। एंड जो फ्यूल इकोनॉमी दे रही है भाई हमारी क्रॉस्टर 13.5 का यार है ना आफ्टर स्टार्ट। एंड भाई जो स्पीड रह रही है वो चला रहा हूँ 100 110 100 110 के अराउंड ही चला रहा हूँ। पता नहीं लगता है यार इसके अंदर 100 की स्पीड तो ऐसे लगता है 60 70 पे गाड़ी चल रही है। ड्राइव अच्छी है भाई गाड़ी की, पर थोड़ा सा जो ये था झोल जिसको हम बोलते हैं बॉडी रोल तो है, पर हाई स्पीड पे ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कॉर्निंग कर रहा था ना तो यूं नहीं कि गाड़ी यूं कंट्रोल खो रही है, वो फील नहीं आती भाई, वो फील बढ़िया गाड़ी की है। ये पंजा दबाओगे तुरंत डाउन शिफ्ट मार दिया है, देखो गियर चेंजिंग का तो पता ही नहीं लगता। ये देखो इस टाइम चल रही है गाड़ी हमारी 120 पे, ये देखो मस्त मजे से, पता ही लगा कब हम मुंबई पहुंच जाएंगे। वैसे हमारा जो ETA है वो जब हम चले थे उस टाइम दिखा रहा था 7 बजे का, एंड ये 6:17 पे तो आ ही गया है, बाकी ये और भी कम हो ही जाएगा। बाकी अभी डिनर के लिए रुकेंगे। लो भाई इलेक्शन का चेकिंग हो रहा है, यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारा गाड़ी चेक किया जा रहा है। अच्छा बॉर्डर चेंज हो रहा है क्या, महाराष्ट्र आ रहा है क्या आगे भाई? अभी महाराष्ट्र में है। अच्छा महाराष्ट्र में आगे, पता ही नहीं लगा यार आज तो महाराष्ट्र में कब आगे, हमें महाराष्ट्र का पता ही नहीं लगा। कर दे भाई ओपन कर दे यार, बैक कर दे। हरियाणा नंबर गाड़ी है, यहाँ क्या करने आएगी? देख लो भाई देख लो, अच्छे से देख लो भाई, पूरा हाथ डाल डाल के चेक कर रहा है। इनकी ड्यूटी है भाई, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कोई पकड़ा भी जाता है कोई गलत काम वाला, पकड़ा जाता है। अरे नहीं गलत काम वाला तो निकल जाता है। नहीं, चलो निकाल दे यार कोई नहीं, भाई को चेक करा दे, तसल्ली से चेक करा दे भाई। देखो इस ट्रक में माल है, इसको पकड़ो चेक करो, गोभी के नीचे पत्ते में नीचे दबा के ले जा रहा है, चेक करो भाई इसको भी, कैमरा मैन बुलाओ इसको भी चेक करने के लिए। सर बिल बताने वो बाहर टॉर्च से चेक हो रहा है, है? इधर बैग खोल के चेक हो रहा है। कितना परसेंटेज है ना भाई, है मतलब अपना लैंग्वेज आपस में बात कर लेते तो हो जाता है भाई, नहीं तो हम नंबर दूसरा तो हुआ है। तो ऑलमोस्ट भाई 150 किलोमीटर चलने के बाद अब हमने ले लिया है राइट, ये भाई होटल मधुबन करके है इधर, यहाँ से लेना है। अभी हमारा घाट वाला रास्ता शुरू हो जाएगा, तकरीबन मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर रहेगा ना हमारा घाट का रास्ता, 120-130 किलोमीटर तक घाट वाला रास्ता रहेगा। देख लो कैसे zigzag और ले भाई बिल्ली को भी उधर जाना था, हमारे को सीधा जाना था, सर फोड़ दिया, खाम खाम है पुलिस काम का यार, सारे बैग चेक कर ले। मैं बोला यार एक बैग चेक नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और मैं जो जाएंगे तो मैं फिर मैं आइडेंटिटी बताया ना, मैं ये बोला अच्छा ठीक है मैं जाओ जाओ क्या बात, मैं यार तू जबरदस्ती तंग करने लग रहा है, खाम खाम है भाई को, ये भी चेक कराओ वो भी चेक कराओ, मैं जो सही गाड़ी हुई ना जिसके अंदर माल जा रहा होगा वो तुम्हारे चेक नहीं, अरे वो रुकेगी ही नहीं वो, उसके एक बार कहने पर मैंने गाड़ी का ब्रेक मार लिया साइड में रोक लिया, और डिग्गी खोल रहा था वो डिग्गी खोलते खोलते उसने बीच में बटन प्रेस कर दिया, और डिग्गी मेरी यहाँ लगी भट देसी ने, मैं आगे झुक रहा था बैक को इतनी जोर से लगी गोला हो गया सर के ऊपर। चलो कोई नहीं भाई, नाउ एंजॉय घाट का रास्ता, कुछ नहीं मिलेगा अब हमारे को इस रास्ते, डिनर भी नहीं किया यार, और बज गए 10, यानी इन अराउंड हमारे को दो घंटे लग जाएंगे घाट वाला रास्ता क्लियर करने में, वो भी 12 बजे के अराउंड हमारा होएगा। बोला क्या मिलेगी, वही चाय वाला कभी भी ना पी चाय वाले की चाय में भाई, तो ऐसी एसिड बनाया था जबरदस्त एसिड बना दिया था उसने तो। इस रास्ते की ना एक अच्छी बात है कि ये टूटा नहीं हुआ है भाई, ये सही रास्ता है, मतलब चलने में अपना ठीक है, खड्डे वड्डे नहीं है इस रास्ते में। और एक बात और है भाई, ये रास्ता ना रात को आपका फैमिली के साथ ट्रेवल करने का नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रास्ता अनसेफ है, लेकिन हमने यहाँ पे ना आते हुए जैसे लोमड़ी वगैरह ये सब देखा था, बाई चांस कहीं भाई आपकी गाड़ी के अंदर ब्रेकडाउन हो जाए और फैमिली हो साथ में, तब भाई थोड़ा सा ना ऐसी क्रिटिकल सी सिचुएशन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में ना रहें आप और ना पहुंचें, मैं तो यही चाहूंगा, बाकी दिन में ट्रैवल करें इस हिसाब से बेटर है। गाड़ियां हैं तो बाइक भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फैमिली के साथ आप लेट नाइट इस वाले हाईवे से ना ट्रैवल करें। जंगली सुअर तो वही मैं कह रहा था भाई, पूरा जंगली रास्ता है, घाट वाला रास्ता है, मजेदार तो है मजे लेने के लिए, लेकिन रात के लिए नहीं है, हम तो 4 मुस्टंडे हैं, ठीक है कुछ होगा तो अपना देख लेंगे, पर भगवान ना करे ऐसा हो और किसी के साथ भी हो, तो वही है भाई यहाँ तो ना भाई, मतलब लगातार कैमरा ऑन रहे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है भालू शेर सब है यार, हाँ वो
गई है भाई। चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है अभी, क्या क्या दिखता है। एक चीज और खास है भाई इस रास्ते की, अगर आपके पास गूगल मैप या ऑफलाइन मैप नहीं है तो आप भाई इस रास्ते पे भटक सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे आते हैं, टी पॉइंट्स आते हैं और वाई बना हुआ आता है जहां से भाई आप गलत टर्न ले लोगे। बस वही बात है, मैप का साथ भी होना जरूरी है या फिर आपको यहाँ का रास्ता पता होना चाहिए। जब आप घाट में बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पे आ जाते हो ना भाई, ये देखो, तब आपको ऐसा रास्ता भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है, मैं बताया था ना स्टार्टिंग में, रास्ता बहुत बढ़िया है, सड़कें बहुत बढ़िया है, खड्डे वड्डे कुछ नहीं है, बस रास्ते को एंजॉय करते चलो चाहे सिचुएशन कोई भी हो। भाई 300 किलोमीटर लगातार गाड़ी चला के अब हम रुके हैं, ये होटल श्रवण करके है, अब खाना खाएंगे भाई। मतलब हर 125 किलोमीटर के बाद ना मैं वो अपना स्ट्रेचिंग के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन रुका नहीं। और अच्छा रहा, भाई हमारे साथ ना वो इंसिडेंट हो गया अभी रास्ते में, समझ सकते हो कौन से वाला, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी वाला जो सीन होता है ना, वो हो गया हमारे साथ। तो ना तो हमारी हिम्मत हुई गाड़ी रोकने की और ना हमने गाड़ी रोकी, जिसको सुसू आ रहा था सुसू रोक के बैठा रहा, जिसको भूख लगी थी वो अपनी भूख को काबू करके बैठा रहा। मैं जब तक नेशनल हाईवे पे नहीं आ ले ना भाई उस घाट वाले रास्ते को छोड़ के, तब तक गाड़ी रुकेगी नहीं। तो इसीलिए आज भाई 300 किलोमीटर तक खींच दिया। हाँ याद आया, रेड यार ये सर फूटा था मेरा यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले। चलो यार दाल रोटी खाएंगे, बढ़िया है। अरे पानी गाड़ी में रखा था ये बोतल है, हम बुड़बक से ना कुछ सोचा ही नहीं है, भर लो अपना अपना बोतल यार, मैं कोई कहूँ और सर बचा लियो तू भी अपना। हाँ चलो The next day. Welcome Atal Bihari Vajpayee Savory Nava Setu, Atal Setu. So good morning all and भाई हम रात को डिनर करने के बाद मैं तो सोने के लिए चला गया था, हम तो बोल रहा था फिर मैं बोल दिया वाह, मैं तो पीछे जाके भाई सोने चला गया था। अभी ऋषभ सो रहा है, परवीन थोड़ा सो रहा है, जाग रहा है एंड अभी फिर उसके बाद हम मुंबई के आउटस्कर्ट्स में आके गाड़ी लगा दिया था, परवीन ने गाड़ी लगा दिया था मृणाल ने, और फिर मृणाल भी सो गया भाई, हम सारे गाड़ी के अंदर ही सो गए। ऐसे मेरी आँख पता क्या बोली थी, पुणे में हुआ क्या कि ना ऋषभ को आगे बैठाया था, हमारे ऋषभ तो आगे बैठ जा मैं सोने जा रहा हूँ, तो मैं तो सोइयो मत, मुझे लगा कि ऋषभ तो जैसे बैठता है सो जाता है, इतनी देर में भाई इतनी जोर से ब्रेक कराया और गाड़ियों से कूदी उसके ऊपर से, मेरे को लगा माँ भाई ठोक दिया, तो माँ मेरे नाल सो गया, आज गाड़ी ठोक दी मेरे मुँह से निकला तेरा भला हो जाए। फिर मैंने सीधा यही पूछा कि माँ सो तो नहीं गया था, फिर देखा सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ, चल ठीक है चलो ठीक है। चलो भाई टोल आ गया हमारा बटाला कोलाबा मुंबई पोर्ट। 3 दिन के बाद भाई टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है, अपनी ग्लोस्टर को 1413 किलोमीटर हमने इसको चलाया है भाई एंड अभी हमारा सारा लगेज बाहर निकल रहा है। ठीक है सनी भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू भाई, मीटिंग यू मिस्टर विक्रम जी, प्लीज वॉच हिज चैनल, वंडरफुल गाय, थैंक यू भाई थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना हम आपको फुल टाइम अपना गाइड रखेंगे, फुल टाइम आई एम द ऑफिशियल गाइड, ऑफिशियल गाइड रहेंगे, मिलते हैं दोस्तों वापस। हां डेफिनेटली डेफिनेटली भाई, गाड़ी से सारा सामान निकाल लिया ना, कुछ बचा तो नहीं? ऑलमोस्ट डन है ना, चलो ठीक है भाई। एक और जी, हां बार्गेनिंग सीखना है तो विक्रम भैया से सीखो, चलो अगली बार दिखाएंगे मुंबई में। अभी हम कोलाबा गए थे ना, वहां से शॉपिंग वगैरह करके आए भाई, बोतल भरना है क्या 1 लीटर वाले में? कर सकते हैं, करना तो कर ले। हां तो अभी भाई हम कोलाबा गए थे, वहाँ शॉपिंग वॉपिंग भी कर लिया, सारा बैग वगैरह में सब अपना डाल लिया सामान। चलो टाटा बाय बाय एमजी ग्लोस्टर को, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट रूट पे, हाँ बाय। परवीन यहाँ पे अपना ऑटोग्राफ देते हुए, हाँ दे दिया क्या? अच्छा पहले लिख दिया विक्रम, अच्छा मेरा ही साइन कर दिया, वाह वेरी गुड। वैसे बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, कुछ है ऊपर नीचे, जब इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे तब आपको उसमें बताएंगे। ड्राइव का मजा आया, 1500 किलोमीटर चलाया, ऑलमोस्ट 1413 को 1500 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। राइड अच्छी रही, कैसी रही इसकी राइड? बिल्कुल थकान नहीं हुई, थकान बिल्कुल थकान नहीं है। स्पेशियस है ना भैया चारों तरफ से, हाँ इवन थर्ड रो में ही बंदा आराम से बैठ सकता है इस गाड़ी में, ये फायदा वही चीज अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा विंडो, हाँ बड़ा बड़ा स्पेशियस, सही बड़ा गाड़ी बड़ा विंडो एंड बड़ा बड़ा फीलिंग। Hours later. चलो भाई अब हम तो दिल्ली भी पहुंच गए हैं भाई, वही बॉम्बे वाला बढ़िया माहौल हो रखा है, बढ़िया बारिश हो रखी है, हैं वहाँ थोड़ी गर्मी थी यहाँ थोड़ी ज्यादा बॉम्बे वाली फील आ रही है। चलो लखनऊ पहुंच गए, तेरा भला हो जाए। चलो तू तो मेरे साथ ही चल रहा है, हाँ साथ हम देखिए टैक्सी में आए थे, हम घर जाएंगे फिर ये वहाँ से निकलेगा क्योंकि सामान भी उठाना है घर से।
देखो कपड़ा वपड़ा के ऊपर लाइव हो गया इनका। ठीक है चल ठीक है भाई, ठीक है भैया बाय ओके बाय। चलो हम भी चलते हैं, हमारी टैक्सी उधर खड़ी है, आज हमने इन ड्राइव से बुक करी है। कोई हमारे वाले भैया भी वैगनार लेके आ गए, उनसे भी सबर नहीं हुआ, बोला सर मैं वहाँ खड़ा खड़ा वेट करता, मैं भी यहीं आ जाता हूँ, आ जा भाई। तो फाइनली भाई अपना चार दिन का जो तूफानी दौरा था वो भाई अब खत्म हो गया, एंड भाई अपन अपने घर पहुंच गए हैं। देखो भाई मुंबई के लिए गए थे, मुंबई से पुणे पहुंच गए, पुणे से गोवा पहुंच गए, एंड गोवा से वापस फिर मुंबई, मुंबई से फिर गुड़गांव। टोटल अनप्लान्ड था भाई, टोटली अनप्लान्ड था और काफी हेक्टिक भी था, गाड़ी चलने में चल रहे, लेकिन एंजॉय बहुत किया भाई। लेकिन जब वापस आ रहे थे और जो घाट वाला रास्ता है ना भाई, जिससे हम आए थे, वाकई में भाई वहाँ है पॉजिटिव एनर्जी है नेगेटिव है ये नहीं पता, पर भाई है और कई बार हमारा सामना हुआ। बस अब आपको देखा भाई, रिकॉर्ड नहीं किया, क्या कुछ नहीं, बस वही है भाई। उस टाइम तो इतने शौक हो रखे थे हम, तभी तो मैं वीडियो बताया ना कि 300 किलोमीटर तक हमने जो पूरा स्ट्रेच है एक बार में किया, हमने गाड़ी रोकी नहीं, तो पता नहीं लगता भाई कब क्या क्या कैसे हो जाए। तो बाकी वैसे रास्ता बहुत बढ़िया था, दिक्कत हमारे को कुछ नहीं हुई। अगर हमें यूँ कहो कि टोटली नेगेटिव एनर्जी थी, हमारे को ये होगा वो, क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फील जरूर हुआ कि कुछ है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड अब अपनी जिमनी भी रेडी हो गई है, मतलब बस कुछ एक चीज़ें उसकी बाकी हैं, अभी चलेंगे वहाँ जाके देखते हैं क्या हो रहा है जिमनी में। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। एंड भाई प्लीज नाराज मत होना भाई, लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भी हैं, एंड भाई कमेंट में भी विक्रम भाई वहाँ, एंड आपने बहुत सारी चीज़ें ना सजेस्ट भी करी हैं कि ये वाली चीज़ देखना विक्रम भाई, कोंकण में ये चीज़ देखना, मुंबई में ये चीज़ देखना, तो सारी चीज़ें अपन देखेंगे भाई, अच्छे से देखेंगे, पूरा प्लान करके आएंगे इस बार, है अपने स्कॉर्पियन में जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है जी, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, बाय बाय।